नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, स्वागत है आपका युद्ध घोष में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को अहिंसा और सत्य की राह पर चलने की सीख दी। गांधी कोई शख्स नहीं थे बल्कि एक विचारधारा के तौर पर आज भी वो हमारे बीच में मौजूद हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में नेताओं के द्वारा उन्हें सिर्फ अपना बताने वालों की भी कमी नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में पहुंचे तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने जय श्री राम के नारों के साथ उनका स्वागत किया। इसके जवाब में विपक्ष के सांसदों ने महात्मा गांधी की जय के नारे लगाए, जिसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये तो ट्रेलर है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि गांधी आपके लिए ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए तो जिंदगी है। इससे पहले बीजेपी के ही नेता अनंत हेगड़े ने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को दरकिनार कर सत्याग्रह और भूख हड़ताल को ड्रामा करा दिया था। बीजेपी ने इस बयान पर अनंत हेगड़े को माफी मांगने को भी कहा था, लेकिन फिलहाल तक अभी तक हेगड़े ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी है, बल्कि सफाई देते हुए यह कहा कि वह सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम को वर्गीकृत करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने महात्मा गांधी का नाम ही नहीं लिया। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की ही एक और नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने तो गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया था। साध्वी ने कहा था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे और रहेंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांधी हमारी जिंदगी है, वो हमारे लिए जिंदगी है। ऐसे में दो तरफा बातें हैं, दो तरह के नेता। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं हमारी जिंदगी है, लेकिन उनके ही कई नेता इस तरह की बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं गांधी का अपमान प्रतीत होता है या फिर गांधी के अपमान जैसा लगता है। गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया या फिर भूख हड़ताल की, उसको ड्रामा कह देना एक तरह से उनका अपमान ही है, या फिर उस चीज को भुला देना, उनके सहयोग को भुला देना कहीं ना कहीं उनका अपमान ही है। और साथ ही नाथूराम गोडसे, क्योंकि उसने हत्या की थी महात्मा गांधी की, तो ऐसे में उसकी तारीफ करना, उसे देशभक्त कहना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि उनकी सोच किस तरह से है या फिर उनकी विचारधारा क्या पार्टी के जो उच्च नेता हैं या फिर पार्टी के शीर्ष नेताओं के विचारधारा से मैच होती है। अब सवाल यह है कि बीजेपी के ऐसे नेता जो महात्मा गांधी को लेकर पूर्व में तरह तरह की बातें कहते आए हैं या फिर टिप्पणी करते आए हैं, उन पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो दूसरों के लिए मिसाल बनती। अब संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना गांधी जी हमारी जिंदगी है कुछ अधूरा सा महसूस कराता है, क्योंकि सिर्फ गांधी को खुद का बता देना शायद काफी नहीं है। ऐसे लोग जो गांधी का अपमान करें, इन पर कार्रवाई शायद गांधी के सम्मान को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। नेताओं के बयान को निजी बताकर पल्ला झाड़ लेना कहीं ना कहीं पीछे से उनके बयानों के साथ खड़े होने जैसा लगता है। लेकिन फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, हालांकि जवाब में ही पलटवार करते हुए ही कहा है कि गांधी हमारे लिए जिंदगी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में पहुंचे तो सत्ता पक्ष के जो सांसद थे उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। अभी कल ही ट्रस्ट के निर्माण की घोषणा की गई है कल संसद के अंदर, और ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचते हैं तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। इसके जवाब में विपक्ष के जो सांसद हैं वो महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अनंत हेगड़े ने महात्मा गांधी को लेकर जिस तरह से बयान दिया या फिर उनको लेकर स्वतंत्रता संग्राम को जो वर्गीकृत करने की वो बात कह रहे थे, तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से नारे लगते हैं गांधी जी की जय। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी ये कहते हैं कि ये तो ट्रेलर है। इस पर पीएम मोदी कहते हैं कि गांधी आपके लिए ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए जिंदगी है। तो अनंत हेगड़े ने कहा था कि कैसे ऐसे लोग भारत में महात्मा पुकारे जाते हैं, पूरा स्वतंत्रता आंदोलन अंग्रेजों की सहमति और समर्थन से खेला गया, एक बड़ा ड्रामा था, सत्याग्रह और भूख हड़ताल भी ड्रामा था, ये वास्तविक लड़ाई नहीं बल्कि तालमेल से किया गया स्वतंत्रता आंदोलन था। जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया और देश में बड़े सुधारों की दिशा में काम किया, उन्हें इतिहास के अंधेरे कोनों में फेंक दिया गया, लेकिन जो अंग्रेजों के साथ सामंजस्य करके लड़ रहे थे वे प्रमाण पत्र के साथ स्वतंत्रता सेनानी बन गए। ये देश की त्रासदी है, दो तरह के स्वतंत्रता सेनानी थे, एक जो शस्त्र में भरोसा रखते थे, दूसरे शास्त्र में। स्वतंत्रता सेनानियों का एक वर्ग, अन्य वर्ग भी था जो ब्रिटिश से पूछा करता था
कि स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे चलाया जाए, और कहता था कि आप जो कुछ भी कहेंगे हम उसका सामंजस्य और समझ के साथ पालन करेंगे 2020 क्रिकेट मैच की तरह। तो उनका यह कहना था कि जो कुछ भी किया गया स्वतंतत्रता आंदोलन के दौरान, जो भूख हड़ताल की गई या फिर जो भी नारे लगाए गए, वो सारा जो है सामंजस्य के तहत किया गया, यानी कि सोची समझी चीजें अंग्रेजों के साथ तालमेल करके की गई। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, गौतम राणे सागर जी बसपा से हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, साधना जग्गी जी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज कहा है संसद के अंदर कि हमारी जिंदगी है, लेकिन आपके ही कुछ नेता, जो कि मैंने अभी बताया कि किस तरह की बातें कर चुके हैं, ऐसे में एक पार्टी में दो विचारधारा के लोग हैं, ये आपको नहीं लगता? हिमांशु जी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गांधी जी हमारे जिंदगी या कह लीजिए कि प्राण है, सरल भाषा में। तो बिना गांधी के इस देश की आप कल्पना नहीं कर सकते। गांधी उस समय अस्तित्व में आए जिस समय ब्रिटेन की हुकूमत पूरी दुनिया पे थी, उनके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। उस कार्यकाल में सत्ता हस्तांतरण का एक ही तरीका था, सशस्त्र विद्रोह, और उसमें भारी मात्रा में रक्तपात होता था, धन जन की हानि होती थी। गांधी जी उस समय एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, अहिंसा, भूख हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब गांधी के अस्त्र थे। इन अस्त्रों का प्रयोग करके गांधी ने सबसे पहले एक जो उनका लिटमस टेस्ट हुआ वो साउथ अफ्रीका में हुआ। उस टेस्ट को पास करने के बाद गांधी हिंदुस्तान में आए, और सबसे पहला जो टेस्ट उनका हुआ हिंदुस्तान में चंपारण में हुआ। वहीं से गांधी को हिंदुस्तान ने पहचाना और गांधी हिंदुस्तान में पूजे जाने लगे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। आपके नेता तो उनके उस सहयोग को भूल गए हैं, वो तो कह रहे हैं कि वो सब एक ड्रामा था। देखिए, पहले बात समझ, गांधी के योगदान को कोई नकार नहीं सकता, आजाद हिंदुस्तान में या आजादी के आंदोलन में। गलतियां बड़े लोगों से ही होती है, जो कुछ करने की स्थिति में होता उसी से कुछ गलतियां होती है। ये सत्य है कि भारत विभाजन के समय जिस तरह से गांधी जी अडिग थे कि मेरे लाश पे भारत विभाजन होगा, उससे उनको डिगना पड़ा, और उनकी जो उससे पीछे हटने का जो भी कारण रहे उसकी कीमत भारतवर्ष को चुकानी पड़ी, और बहुसंख्यक समाज को सबसे ज्यादा चुकानी पड़ी। चलिए, वो चीजें अलग हैं, लेकिन इतिहास तो यहाँ पे जो आपके नेता हेगड़े जी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सोची समझी चीजें थी, अंग्रेजों के साथ सामंजस्य बनाकर कोई लाठियां नहीं खाया उसमें, उनका तो ये कहना है कोई लाठियां किसी को नहीं पड़ी। हिमांशु जी, बात को समझने की कोशिश करिए, किसने इतिहास को कैसे पढ़ा, किसने गांधी को किस रूप में देखा, ये उसकी समझ पे निर्भर है। तो सार्वजनिक मन से इस बात को कहने लगेंगे, सार्वजनिक मन से इस बात को कहने लगेंगे। जाति रही भावना जैसी, परम मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना थी उसने गांधी। तो हेगड़े जी की भावना सही नहीं है आप कह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा कि उनकी भावना सही नहीं, उन्होंने जिस दृष्टिकोण से गांधी को समझने की कोशिश की, हो सकता कदाचित उनके दृष्टिकोण पे गांधी उनको उस तरह दिखे हों। तो आपकी पार्टी से फिर विचारधारा मैच नहीं हो रही, तो फिर वो पार्टी में कर क्या रहे हैं फिर, ये भी तो एक सवाल है ना। बात समझने की कोशिश करिए, पार्टी की जो मूल विचारधारा है वो गांधी जिसे कहीं डिफर नहीं करती है। हम गांधी में पूर्णतया विश्वास करते हैं, गांधी हमारी प्राणवायु है। देखिए, आप ही के पार्टी की नेता हैं साध्वी प्रज्ञा, वो गोडसे को देश प्रेमी बताती हैं, फिर आप कहते हैं कि हम उनसे माफी मंगवा लेंगे। माफी मंगवाने से क्या होगा, जब विचारधारा ही आपकी एक नहीं है तो फिर एक पार्टी में रहने का मतलब क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, पार्टी विचारधारा से चलती है या फिर वोट बैंक से, कि हमको कोई जीत के आएगा वो वोट बैंक लेके आएगा इसलिए हम उसको पार्टी में रखे हुए अपने। हिमांशु जी, फिर समझने की कोशिश करिए, गांधी व्यक्ति नहीं विचार है, और गांधी जी का एक बहुत बड़ा लंबा कार्यकाल है। गांधी सबसे पहले हिंदुस्तान में जो जाने जाने लगे वो हिंदुओं के नेता के रूप में जाने गए, फिर आगे जब उनका कद बढ़ा तो वो
सब समाज के नेता माने गए। आगे जाकर के भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो उनका जो एटीट्यूड रहा, जो इतिहास में हमको बताया जाता है, नाथूराम गोडसे ने उनके उस आचरण के कारण या जो भी रहा हो, जिसके कारण वो दुखी था, उसने दुख में उनकी हत्या कर दी। हम नाथूराम की इस घटना को जायज नहीं ठहराते, ठीक, लेकिन जिस तरह से, लेकिन हम उसको देश प्रेमी कह देते हैं। नहीं, सुन तो लीजिए, फिर देशभक्त कह देते हैं, फिर आप विषय पे आ, नहीं, हम आप तो सिर्फ बात की बात कर रहे हैं, मेरे मुंह में डालना चाहते हैं। नहीं, मैं कोई शब्द नहीं डालना चाह रहा हूं, मैं आपसे क्लेरिफिकेशन चाह रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो कहते हैं हम गांधी जी के जो है, गांधी जी हमारी जिंदगी हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के कुछ सांसद हैं जो कहते हैं कि उनका सहयोग कुछ नहीं था, वो एक ड्रामा था, और कोई जो है उनके हत्यारे को जो है देशप्रेमी बताने लगता है। पहले समझ लीजिए, कांग्रेस का जब अस्तित्व आया देश में तो 1857 के गदर के बाद कांग्रेस की स्थापना ही इसीलिए हुई थी कि जो यहाँ के समाज में जो उद्वेग है, जो प्रतिशोध है, जो कुछ भी आवेश है, वो कांग्रेस के रूप में उसको मिनिमाइज किया जाए, ताकि वो कभी भी सरकार से एक एक माने लड़ाई की स्थिति ना उत्पन्न हो। सरकार के सामने जो प्रेशर आ गया 1857 में एक बैग, उस प्रेशर को मिनिमाइज करके लाने का काम कांग्रेस के लिए ही, इसीलिए कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना कब हुई थी कांग्रेस? स्थापना का आपके नेताओं के बयान से क्या संबंध है, मुझे ये भी जरा क्लेरिफिकेशन दे दीजिए। और कांग्रेस के तमाम नेता, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी है, जवाहरलाल नेहरू कभी किसी ऐसी जेल में बंद नहीं हुए जहां, जब भी वो बंद हुए किसी किले में नजरबंद होते थे, वहां रसोईया से लेके खाने का मेनू तक उनसे पूछ के तय होता था। मतलब आप वीर सावरकर हेगड़े जी के बयान से आप सहमति जता रहे हैं? जी, हेगड़े जी के बयान से आप सहमति जता रहे हैं? हेगड़े जी की बयान से 100% सहमति नहीं जता रहा हूं, परंतु अगर वो कांग्रेस को इसमें लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगने को क्यों कहा था फिर? मेरी बात समझ लीजिए, कदाचित उन्होंने इसमें गांधी जी का नाम लिया होगा। देखिए, गांधी उन्होंने कहा ऐसे लोग महात्मा पुकारे जाते हैं। कैसे लोग महात्मा? कौन है महात्मा? गांधी जी के अलावा किसी और को महात्मा मैंने तो नहीं सुना। महात्मा गांधी जी हैं और उन पर ही आप सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको ड्रामा बता रहे हैं उनके काम को। जी, गांधी जी इन चर्चाओं से परे है। गांधी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है, जितना आप गांधी को पढ़ेंगे उतने ही आपके आयाम गांधी के चरित्र में आपको दिखाई देंगे। गांधी को किसी एक आपके पास दोबारा आता हूं, सुनील त्रिपाठी जी, सुनील त्रिपाठी जी, एक तरफ हम कहते हैं कि गांधी जी हमारी आत्मा है, समझिए पार्टी को एक परिवार समझ लीजिए। अब परिवार में एक मुखिया जो है वो कह रहा है गांधी जी हमारी आत्मा है, दूसरा कह रहा है जो उनके काम किए गए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस तरह का उनका सहयोग रहा उसको वो नकार दे, कहे सब ड्रामा है, और फिर भी एक ही परिवार में हम बैठे हों और हम कहें हम गांधी प्रेमी हैं। हिमांशु जी, परिवार तो एक हो सकता है लेकिन विचार सबके अपने भी हो सकते हैं। हो सकता है उनका पार्टी को एक परिवार, क्योंकि परिवार की तरह देखिए, परिवार में भी दो मेंबर बाहर से भी आते हैं, तो अगर हम मान लीजिए दूसरे दल से आए हैं तो कुछ तो मेरी मानसिकता उस दल की रहेगी नहीं रहेगी बताइए। अगर मान लीजिए मैं बसपा का आदमी हूँ, सपा में आ गया हूँ, तो मेरी मानसिकता, चूंकि जमीर मेरी वहीं की है, तो कुछ तो मेरी मानसिकता वहां की रहेगी। तो मानसिकता जब वैसी है तो पार्टी में लिया ही क्यों जाता है? नहीं, अब ऐसा पार्टी में आ कैसे जाते हैं? आप ऐसा हिमांशु जी, अभी आपने देखा होगा कि भाजपा में एक ऐसे नेता है जिन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर इतना, विशेषकर गणेश जी ऊपर ऐसी बातें कही, भाजपा ने उनको बैठा लिया। आप भी जान रहे हैं, तो एक तरफ आप भगवान राम के भक्त हैं, एक तरफ ऐसे लोग बिठाते हैं गणेश जी के लिए गोबर पूजा होती है, इसकी पूजा होती है, तो ऐसे भी लोग ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? ये तो परिवार के मुखिया देखना चाहिए कि हम किस व्यक्ति को ले रहे हैं, उसके विचार हमसे मिलते कि नहीं मिलते हैं। और इस पे अगर इस तरह उन्होंने बयान दिया होगा तो ये प्रधानमंत्री जी का मत नहीं है, उनका व्यक्तिगत मत होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब से देश की शपथ लिए प्रधानमंत्री पद की, उसके बाद से गांधी जी के सिद्धांतों पे ही कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो ये पार्टी जो बनी है तो एक विचारधारा पे चले ना जी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन क्या सोचता है, किसकी सोच खराब है या सही है, ये तो पार्टी को डिसाइड करना चाहिए ना। अगर विपरीत विचारधारा के लोग हमारी पार्टी में है तो उनकी जरूरत क्या है फिर पार्टी में, क्योंकि पार्टी की तू करवा रहे हैं आप फिर तो। ऐसा है मैं, ऐसे नेताओं को रख के नहीं, कभी ऐसी विषम परिस्थितियां होती है, मैं चाहता नहीं हूँ आपको, फिर भी आपको साथ रखना पड़ता है। तो राजनीति में भी कैसे दौर आते हैं कि जहां हम नहीं चाहते हैं फिर भी ऐसे लोग रखना, मेरी व्यवस्था को या मजबूरी को। सही बात है, सही बात है गौतम राणा जी, सही बात है। कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनको रखना मजबूरी होती है और वो बोलते भी कुछ अनाप शनाप है, जैसे समाजवादी पार्टी में एक नेता है हिमांशु जी। अगर हम इस बात से अपने आप को संबद्ध करने की कोशिश करें तो उन परिस्थितियों का आकलन जरूरी है।
वो तब इस तरह के लोगों को बर्दाश्त किया जाता है जब आपकी सरकार की संख्या इतना मतलब एज पे हो कि अगर उसको हम नाराज कर देंगे तो हमारी सरकार जा सकती है, तब मजबूरियां हो सकती है। लेकिन इस सरकार के सामने इस तरह की कोई मजबूरियां नहीं है। सही बात है, जब इस सरकार के सामने इस तरह की मजबूरियां नहीं है तो इसका मतलब प्रधानमंत्री अभिनय में नंबर एक है, कथनी में कुछ, करने में कुछ। किसी भी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के ऊपर आतंकवादी घटनाओं, आतंकवादी होने का दोष हो और इसके बाद वो उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हो, वो हेल्थ ग्राउंड पे पेरोल पे बाहर आया हो, उसको किसी भी कीमत पे टिकट नहीं दिया जा सकता। ये एक स्पष्ट प्रोविजन है। बावजूद इसके टिकट दिया गया और बार बार स्टेटमेंट दिए गए और इसके बाद प्रधानमंत्री जी ये कहें कि मैं दुखी हूं, तो ये लगता है कि वो अभिनय में नंबर एक है, दुखी नहीं है, अभिनय दुखी होने का अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी मजबूरी वहां नहीं थी। जब आपको ये लग रहा कि आपकी छवि देश में इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि लोग वोट करते आपके नाम पे वोट कर रहे थे, प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे वोट नहीं कर रहे थे, तो प्रज्ञा ठाकुर को हटा करके किसी को भी आप वहां खड़ा करते तो लोग आपको वोट करते, तो कम से कम इस जलालत से आप बच जाते। जब आप कहते कि मेरी जिंदगी है, तो जिंदगी प्राण वायु के बगैर जिंदगी लेकर के क्या करेंगे आप? ये तो ऐसे ही अभिनय हो गया कि प्राण वायु नहीं है लेकिन जिंदगी है, इस जिंदगी का क्या करेंगे आप? तो इसका मतलब ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो दो तरह के लोग होते हैं, जिस तरह से हम आसपास उसमें कहें, तो एक लोग ऐसे होते हैं, एक गले के लोग होते हैं और एक ही गले से बात करते हैं, कुछ लोग दो गले के लोग होते हैं, दो गलेपन की बात करते हैं, तो ये स्पष्ट यही लगता है। और एक ही नहीं, कई इस तरह के स्टेटमेंट आपको देखने के मिलेंगे। दूसरा, हम प्रधानमंत्री को ही अगर उसको पूरी तरह से कनेक्ट करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन योजना चलाया ही इसीलिए था गांधी जी के नाम पे। सही बात। जब बजट आपने अलॉट किया, फंड अलॉट किया 5,800 करोड़ का, हर साल बजट आपने अलॉट किया और उसको 5,800 करोड़ को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया तकरीबन 3,32,000 करोड़ रुपया। और 32,000 करोड़ रुपये में 5 साल में आपने खर्च कितना किया? मात्र 2,200 करोड़ रुपया। तो इसका मतलब साहब, आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जो आप कहते हैं वो आप करते नहीं और जो आप कहते हैं वो करते नहीं। तो ये अभिनय की महारत आप में है और मेरे ख्याल से इस अभिनय के महारत की आज एक बात और, मैं अभी पार्लियामेंट की आपने बात शुरू की है तो मैं सुन रहा था कि पार्लियामेंट में इन्होंने कहा सीमांत गांधी, मैं वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि सीमांत गांधी का चरण स्पर्श करने का मौका मिला। हुजूर, आप तो पैदा कब हुए हैं? और उसके 3 साल पहले ही डिवीजन हो गया था, सीमांत गांधी पाकिस्तान में चले गए थे, तो क्या आपका पाकिस्तान से इतना लगाव रहा है जो लास्ट तक आप बिरयानी खाने चले जाते रहे? तो कम से कम इस तरह के जो बीच बीच में चुटकुल्ले सुनाते रहते हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा को निश्चित तौर पे उस चुटकुल्ले से कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। हो सकता है नरेंद्र मोदी की गरिमा को चोट ना पहुंचती हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को इस सब शब्दों से चोट पहुंचती है। कभी आप इतिहास बदल देंगे, कभी आप भूगोल बदल देंगे, कभी आप क्या बदल देंगे, तो इस सब चीजें से भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। गौतम जी, सवाल तो ये है ना कि प्रधानमंत्री जी की आस्था है, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से हम देख रहे हैं चीजें चल रही हैं और वो महात्मा गांधी को लेकर तमाम तरह की जो है अच्छाई बताते रहते हैं, लेकिन उनके नेता जब नहीं बताते हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं। नहीं, हिमांशु जी, इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी अगर जिम्मेदार होते तो 303 मेंबर आप पार्लियामेंट हैं उनके सदन में, 2-1 मेंबर आप पार्लियामेंट को वो सहायक कर सकते थे और ये उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे कि चूंकि गांधी जी हमारी जिंदगी है और हमारी जिंदगी पर जो भी प्रश्न उठाएगा उसको इसी तरह सजा दी जाएगी। लेकिन जो चित्र भी आप दिखा रहे हैं ये चित्र मेरे ख्याल से गांधी जी की नहीं है। अगर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस समय कपड़े उतार दीजिए तो शायद इसी तरह का चित्र आएगा। उनका जो गांधी जी का शरीर था आप जानते हैं, उसमें मांस नहीं था, हाड़ था, ब्लड था और चमड़ियां थी, और ये तो 56 इंच का सीना है साहब। 56 इंच का सीना कहां गांधी जी का हो जाएगा, आप देख लीजिए ना। साधना जी, चलिए ठीक है साधना जी,
एक तरफ हम कहते हैं कि हम गांधी जी के भक्त हैं, ठीक है, आप भक्त हैं, हमको कोई इस बात में शंका नहीं है, लेकिन जब आप ही के पार्टी, क्योंकि आप पार्टी के शीर्ष नेता हैं, आपके बल पर पार्टी जो है आगे बढ़ रही है, हर नेता आपका नाम लेता है, तो फिर कुछ नेता ऐसे क्यों होते हैं आपकी विचारधारा से अलग जो है मंच पे खड़े होकर सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें कह देते हैं जो कहीं ना कहीं गांधी भक्त को बुरी लग जाए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि उनको अपने इस गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मुझे तो तब भी बहुत बुरा लगा था जब साध्वी प्रज्ञा जी ने ये कहा था कि जो भी कहा था कि हेगड़े ने देशभक्त है और गोडसे ने जो गोली मारी थी वो बहुत सही किया था, तो वी डोंट एग्री एट ऑल। गांधी जी इस देश का आइडियल हैं, थे और रहेंगे। उस समय क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों से लड़कर आजादी ली, इट वॉज नॉट सिंपल, बहुत बहुत ही मुश्किल था, और शायद सत्याग्रह आंदोलन वो ना लाए होते और उन्होंने इस तरीके से हड़ताल ना की होती, भूख हड़ताल से लेकर उन्होंने वो रह क्या गए थे एक हड्डी शरीर पर, जैसे गौतम जी ने कहा, मैंने तो उनको उनका जब उनकी मृत्यु हुई है उस समय की भी उनकी फोटो कल परसों ही मैंने देखी है, कुछ बस इतना सा उनका शरीर था, उसमें कुछ भी नहीं था, वो पहनते क्या थे, कैसे रहते थे, क्या लाइफस्टाइल था, अगर हम उनकी एक चीज भी फॉलो कर लें तो आज हम लोग कहां से कहां पहुंचे। लेकिन हेगड़े जी तो जब बात करते हैं तो कहते हैं, वो जब मंच पे खड़े होते हैं तो वो कहते हैं वी डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ, हां हां, नहीं, उनका कहना ये है कि इस वजह से आजादी नहीं मिली कि भूख हड़ताल की गई या फिर आंदोलन किए गए, वो तो उनकी मजबूरी थी अंग्रेजों की, तभी आजादी मिल गई। मतलब जो आदमी ने उन्होंने झाड़ू पकड़ के पूरी अपना अपना मलबा उठाना से लेकर मैला उठाना, मैला प्रथा को समाप्त करने वाले गांधी जी, क्या उस समय हमारी पर्दा प्रथा कौन सी थी, इतनी उनकी विजन थी कि जो हमारे आज चेंजेस हुए हैं वो बिकॉज ऑफ गांधी जी है ना, और आज वही हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो भी एक स्वच्छ भारत चाहते हैं, वैसे ही वो झाड़ू उठा के कार्य करते हैं, उसी विचारधारा पे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और उनकी ही संसद में लोग ये बैठ के कह रहे हैं, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, एक एक्शन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल होना, विवेक जी एक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है, माफी की जगह जो है उन्होंने अपनी सफाई दे दी है कि हमने कुछ गलत तो कहा नहीं, अब बताइए ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। एक मछली, ये कहावत है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही कुछ लोग जो है आपकी पार्टी में भी हैं, इनको भी साफ करने की जरूरत है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। देखिए हिमांशु जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि गांधी एक व्यक्ति नहीं विचार है, अब उनके विचारों को किसने किस दृष्टिकोण से देखा, उसमें क्या समझा, ये उसकी अपनी समझ है, उस समझ को आप हमारी पार्टी के ऊपर नहीं थोप सकते। नहीं, हम पार्टी के ऊपर थोप नहीं रहे, भाई पार्टी ने खुद ही थोप रखा है अपने ऊपर, पार्टी ने खुद ही थोप रखा है। अनंत हेगड़े अगर आपकी पार्टी में है तो आपने खुद ही उनको थोप रखा है अपनी पार्टी के ऊपर, क्यों, वो क्योंकि जीत के आते हैं इसलिए शायद आपने उनको पार्टी में रख रखा है। पार्टी में तो आजम खान भी समाजवादी पार्टी में है, हम आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं, नहीं तो हमने उसको सही कहा क्या, हमने उसको सही कहा क्या, सेना के टको पत्थर फेंकते, हमने सही कहा क्या उसको, पत्थरबाज है, हमने सही कहा उसको, आपने सही नहीं कहा, पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, ये आप तो पार्टी में डिफरेंस है ना, आप कहते हैं कि हम दूसरी पार्टियों से अलग हैं, आप कैसे अलग हैं ये बताइए जरा, डिफरेंस है इसीलिए उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल हुआ, उनको सदन की कार्रवाई जो संसदीय समिति थी उसमें बैठने से उनको रोका गया, तमाम उनके ऊपर नोटिस इशू किए गए, अन्य किसी दलों में आपने ऐसी कोई कार्रवाई होते देखा क्या अब तक? अगर हमारा जो दामन है वो उनसे थोड़ा सा साफ है तो क्या आप साफ हो जाएंगे? नहीं, फिर मैं बता रहा हूं, देखिए अन्य दलों में ऐसी विचारधारा को नेतृत्व अन्य दल को छोड़ दीजिए, अपनी बात करिए, हमारे दल में इसीलिए आपने बैठाला है, केंद्र में भी बैठाला है, उत्तर प्रदेश की सरकार में भी जो है, हमारे बीजेपी की सरकार ऐसी विचारधारा को हमारे नेतृत्व का समर्थन नहीं रहता, उसका क्रिटिसाइज होता है, उसको सफाई देनी पड़ती है। नहीं तो सफाई से काम हो जाएगा, विचारधारा ही जब मैच नहीं कर रही है तो फिर सफाई से क्या मतलब है? विचारधारा देखिए, एक फिर आपने एक गांधी के नाम पे उसने क्या पढ़ा विचार इतिहास में उनको, और क्या उसकी विचारधारा है, इस पे आप उनके राजनीतिक करियर का फैसला नहीं कर सकते। नहीं, हम करियर का फैसला नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी के शीर्ष नेता गांधी जी को मानते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ सांसद हैं जो इस चीज को निग्लेक्ट करते हैं, तो ऐसे सांसदों को रखने की क्या मजबूरी है? देखिए गांधी जी को निग्लेक्ट तो कोई कर ही नहीं सकता, कर तो रहे हैं, फिर आप हेगड़े जी का बयान फिर से पढ़ूं मैं क्या, बोल भी तो गांधी के ऊपर रहे हैं तो इसको निग्लेक्ट नहीं कहते, आप गांधी से वो कह रहे हैं, ठीक है, कैसे ऐसे लोग भारत में महात्मा पुकारे जाते हैं, ये बेइज्जती फील नहीं कराता है क्या आपको? बिल्कुल, बताइए बताइए। फिर देखिए मानसू जी,
मैं बार बार कह रहा हूँ, गांधी व्यक्ति नहीं विचार है। गांधी जी का पूरा जीव, अगर गांधी को समझना है तो पूरा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से लेकर के आपको उनकी मृत्यु पर्यंत पढ़ना पड़ेगा। ये तो उनको सिखाइए ना, तो आपकी पार्टी के नेता उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो तुमने अब सिखाया होगा, जब उनको नोटिस कॉल हुई होगी। चलिए ठीक है, ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, चर्चा को आगे जारी रखेंगे।